हेलो एवरीवन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनवायरमेंटल साइंस में आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे एयर पॉल्यूशन पे ठीक है क्या है एयर पॉल्यूशन व्हाट इज एयर पॉल्यूशन इसके मेन इफेक्ट्स और कैसे एयर पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट डालता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे सब पहले समझेंगे एयर पॉल्यूशन है क्या वॉट इज द मीन ऑफ एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन रिफर्स टू द रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर दैट आर इनडिटरमेंटल in sorry, in det detrimental to human health and the planet as a whole. Okay. Air pollution refers to the release of pollutants. Into the air that are detrimental to human health and the planet as a whole. Okay? कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो जब ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और वो हमारे एयर में मिक्सअप हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं एयर पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो मेनली गैसियस पॉल्यूटेंट्स जो एयर में मिक्सअप होके एयर को पोल्यूट कर देते हैं तो उसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं ठीक है एयर पॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसियस पार्टिकल्स इन द एयर क्वांटिटीज दैट आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट ठीक है दोनों ही चीजें हो सकती हैं इट इज हैपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड And gaseous particle particle in the air quantities that are harmful to human health, harmful to human health and एनवायरमेंट ओके पॉल्यू एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज इन टू द एटमोसफियर ऑफ वेरियस गैसेस बहुत सारी गैसेज ऐसी होती हैं जो एनवायरमेंट में मिक्स हो जाती है ठीक है डिवाइडेड सॉलिड ऑफ डिस्पर्ड लिक्विड एरोसोल एट अ रेट ऑफ द एक्स इन टू द नेचुरल कैपेसिटी ठीक है और बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो मिक्सअप होकर एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं अब इसके मेन सोर्सेस क्या होते हैं कौन कौन से मेन सोर्सेस होते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन सो हेयर वी कैन से दैट की एयर मे बी गेट पोल्यूटेड बाई द नेचुरल कॉजेज बहुत सारे नेचुरल कारण भी हैं इसके सच एज वॉलकैनोज रिलीज ऐश ठीक है बहुत सारे ऐसे वॉलैनोज वौक, हैं जो ऐश रिलीज करते हैं डस्ट है सल्फर निकलता है और बहुत सारी गैसेज निकलती हैं ठीक है तो इसमें एक जो नेचुरल कॉज हो सकता है वो है सबसे बड़ा वॉलैनज़ का सेकेंड है फॉरेस्ट फायर कभी कभी फॉरेस्ट फायर भी लग जा हो जाती है ठीक है इस तरीके की अनसर्टेनिटी uh, भी हो जाती है जिससे क्या है बहुत बड़ी क्वांटिटी में एयर पॉल्यूट होती है ठीक uh, है फॉरेस्ट फायर्स दैट आर ओकेजनली नेचुरली कॉज बाय द लाइटनिंग ठीक है इसके अलावा जो अदर मेजर कॉज है एयर पॉल्यूशन का वो है स्मोक एंड गैस रिलीज फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिच फैक्टर टू पॉल्यूट एयर ठीक है जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है वहां आप देखिए ठीक है वहां का जो एयर एयर की जो वहाँ क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और एयर क्वालिटी के डाउन होने के पीछे जो रीज़न होता है वो यही होता है कि भाई जो इंडस्ट्री से वेस्टेज निकल रहा है उसको डायरेक्टली जब हम एनवायरमेंट में मिक्स कर के कर देते हैं तो वो हमारे एनवायरमेंट को टोटली पोल्यूट कर देता है ठीक so so, so है सो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द सच प्रिवेंटिव आर टेकन बाय द गवर्नमेंट सो बहुत सारे ऐसे एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए एंड अप्लाई सर्टेन प्रोविजन ऑन इंडस्ट्रीज सो दैट इंडस्ट्रीज आर बाउंड टू रिलीज दैट पॉल्यूटेंट्स फर्स्टली देव टू ट्रीट इट ठीक है जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी उनको ट्रीट करके उनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं उनको कम करके ही उनको ड्रेन किया जाता है तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं सर्टेन एक्ट्स एस्टेब्लिश किए गए ताकि इस तरीके की प्रैक्टिस को रोका जा सके और उसका इफेक्ट हमारे एनवायरमेंट पे और एयर पे ना पड़े ठीक so, है सो द गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स ऑफ प्राइमरी कंसर्न अर्बन सैटेलाइट जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड्स है दीज आर एमिटेड डायरेक्टली इन द एयर एंड फॉसिल फ्यूल एज गैसोलाइन फ्यूल ऑयल नेचुरल गैस दैट आर बर्न अप पावर प्लांट ऑटोमोबाइल एंड अदर कंबशन सोर्सेस ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे इन्वामेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं और पोल्यूट कर देती हैं अब प्रॉब्लम्स क्या होती है प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पोल्यूशन किस तरीके की प्रॉब्लम्स फाइंड आउट होती है प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पोल्यूशन इजेशन डिफाइन एयर पोलूशन एज द प्रेसेंस ऑफ मटीरियल इन टू द एय सच एज कंसंट्रेशन विच आर हार्मुल टू द मैन एंड एनवेंट ठीक है तो आ नंबर ऑफ इनग्रीडियंट दैट फाइंड इन दैट आर मोस्टली गैसेज होती हैं उसमें विच रेपिडली स्प्रेड ओवर वाइड एरिया एकदम से मिक्सअप हो जाती हैं बहुत सारी ऐसी ट्रेजिटीज भी हुई हैं जिसमें कुछ गैस रिलीज हो गई है और उन गैस के रिलीज होने की वजह से पूरा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो गया है इवन लोगों को ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होने लगी इस तरीके की चीज़ें बहुत पहले हो चुकी हैं तो इस तरीके की प्रैक्टिस द्वारा ना हो इसी के लिए बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए हैं ठीक है सो अ नंबर दीज आर देर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन जैसे कि फॉसिल फ्यूल है इंडस्ट्रीज है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी हैं आज के टाइम में ठीक है नेचुरल भी बहुत सारे हैं। दो, तर, दो तरीके का होता है एक तो होता है गैसेस दूसरा है पार्टिकुलेट ठीक है ऑक्साइड ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर आर गैसियस पॉल्यूटेंट्स ये सारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं लार्ज पार्टिकल्स सेटल डाउन क्विकली सैंड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स वेर आर स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर जो एयर में रह जाते हैं ठीक है थीके? जैसे कि ऑब्जर्वेशन कंडेंसेशन हुआ ठीक है ईवोपोरेशन हुआ तो इससे क्या है कुछ स्मॉल पार्टिकल्स जैसे कि कोई भी कैमिकल है वो क्या हुआ एयर में मिक्सअप हुआ तो उसके स्मॉल पार्टिकल्स एयर में क्या हो जाते हैं अलग अलग स्कैटर्स हो जाते हैं और स्कैटर होने के बाद ये पार्टिकल्स पूरे एन्वायरमेंट में गैसेस की तरह फैल के एनवायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं ठीक है मेजर कॉम्पोनेंट कौन कौन पॉल्यूटेंट कौन से हैं तो मेजर जो पॉल्यूटेंट्स हैं मेजर पॉल्यूटेंट्स आर एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सीओ टू है ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन है ठीक है अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे एयर पॉल्यूशन इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ ठीक है सो फर्स्ट वन है वेन वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर इट हैज अ डायरेक्ट इम्पेक्ट ऑन अवर हेल्थ ब्रीदिंग इन पॉल्यूटेड एयर पुट ह्यूमन एट अ हायर रिस्क ऑफ अस्थमा एंड अदर रेसिपेटरी डिजीज ठीक है तो फर्स्ट है अस्थमा हो जाता है एंड अदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी ब्रीथिंग बीमारियां हो जाती हैं ठीक है सेकंड वन साइंटिफिक एविडेंस शो दैट द व्हेन एक्सपोज्ड टू ग्राउंड ओजोन फॉर द सिक्स टू सेवन आवर्स हेल्थी पीपल लंग फंक्शंस डिक्रीज्ड, ठीक है ओजोन डिक्रीज लंग फंक्शन हमारे फेफड़े अच्छे से काम नहीं करेंगे अगर छ से सात घंटे ही हम ओजोन वाले एरिया में रह लें हेल्दी पीपल लंग फंक्शन डिक्रीज एंड दे सफर फ्रॉम द रेस्पिटेटरी इन्फ्लेमेशन और उनके जो लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है एयर पॉल्यूटेंट्स आर मोस्टली कार लिविंग इन पोल्यूटेड एरिया कैन पीपल डेट लिव कैंसर कैंसर जैसी सॉरी डेंजरस डिसीज बीमारियां हो सकती हैं कफिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी स्नीजिंग की वीजिंग की प्रॉब्लम्स हो जाएगी ठीक है इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज तो ये सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज uh, हैं जो हमारी हेल्थ पे से रिलेटेड है और जो कि एक मेजर कॉज है एयर पॉल्यूशन का ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच इसी लेक्चर को हम नेक्स्ट में फिर कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को जब तक आप ये पढ़िए थैंक यू थैंक यू वेरी मच